कैसे आप सब, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू गेम प्ले वीडियो में। सो आज की गाइस आप लोग जो गेम प्ले वीडियो देखने को वाले हो, इस मैच के अंदर मैं इतने ज़्यादा खतरनाक नेड एंड क्लच करने वाला हूँ जिसको देख के आप लोगों के सेंटे भाई मजा आ गया। बाकी आप लोग स्टार्टिंग में एक्सूट के क्लच अगर वगैरह देखो इंट्रो में, वो एक्चुअल में मेरी आईडी नहीं है ना ही मेरे एक्सूट है, वो मेरे फ्रेंड के पास एक्सूट है। अब तुमको पता है हम अपने फ्रेंड से एक्सूट ले सकते हैं और किलफीड भी चमका सकते हैं, लेकिन बस एक ही मैच के अंदर, अगले मैच में फिर से लेना पड़ता है। बाकी हम लोग आए थे रोजो पे एंड यहाँ पे तो कोई स्क्वाड तो आती नहीं है, तो दो तीन बोट चचा को मारते हैं, पर उससे पहले थोड़ी सी लूट करते हैं। अब कुछ बोटों को मारने के बाद जैसे मैं इधर इधर टहल रहा था तभी मेरे को अपार्टमेंट की तरफ से फायर आता है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ, बट मेरे कोई बंदा स्पॉट नहीं होता। एंड जैसे मैं स्कूल की साइड पे इसको ओपन करता हूँ, एक बंदा स्पॉट होता है, जिसको मैं थोड़ा सा डैमेज कर देता हूँ। अब अपने टीममेट से बोल देता हूँ भाई दासिया ले आओ, स्कूल पे एक बंदा डैमेज है, आई थिंक पूरी स्क्वाड ही रहेगी। और जैसे हम स्कूल पे आते हैं पूरी की पूरी स्क्वाड मिलती है, बट उससे पहले जैसे हम दासिया में बैठते हैं ये बंदा कार स्प्रे मारने की कोशिश कर रहा था, बट मैंने इसको ओपन करके इसको थोड़ा सा स्प्रे में एक हेड भी कनेक्ट कर दिया, जिससे बंदा स्कूल के अंदर चला जाता है और हम लोग भी उन पर रश कर देते हैं। और मैंने सोच ही लेता कि हाँ यहाँ पर होना हो पूरी स्क्वाड ही होगी, और ऐसा ही होता है देखो बस। और इन बंदों के पास तुम कैंप करने के तरीके देखना भाई, उन्हें जो कैंप कर रखा है ना उसके लिए भाई 100/100 रेट मिलना चाहिए। अब जैसे मैं पूल के ऊपर चढ़ता हूँ मेरे को एक बंदे की फुट चिप आती है। अब जैसे मुझे इस बंदे की प्रॉपर लोकेशन मालूम होती है तभी ये बंदा हम पे मोली कर देता है, जिसमें मैं और मेरा टीममेट जल जाते हैं और मैं लगाता हूँ हैंड टू हैंड फर्स्ट एड, नहीं तो मैं नॉक पक्का हो जाता। अब फर्स्ट एड लगने के बाद इस बंदे को मैं थोड़ा सा आईक्यू लगा के मारने वाला था, लेकिन आईक्यू हर बार फेल हो रहा था क्योंकि खिड़की में बैठ के मारने वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा हटा भाई कूद के मारते हैं जल्दी से इस बंदे को ख़त्म करेंगे। लेकिन भाई पूरी स्क्वाड का तुम रश करने का तरीका देखना बस, इस बंदे को फिनिश करा एंड हैंड टू हैंड मैं स्कूल के अंदर रश कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता था स्कूल के अंदर एक ही बंदा है और बाकी के बंदे अलग साइड पर हैं। तभी सामने से बोट आता है, इसको मारते हैं। अब यहाँ पे 6 किल हो चुके थे और बचे थे इस टीम के 3 बंदे। अब जैसे मैं इस साइड पर आता हूँ तभी इस टीम का एक बंदा, जिसको मैं हैंड टू हैंड नॉक करता हूँ और फिनिश भी कर ही लेता हूँ। अब जैसे थोड़ा सा आगे जाता हूँ तभी इस टीम का तीसरा बंदा, जो कि ब्रोकर बॉल पे था, अब मेरे टीममेट को देखो क्या टोशन देने वाला है। इस भाई को भी नॉक एंड फिनिश करते हैं। अब अच्छा इस टीम का लास्ट बंदा और सबसे पहले सामने से बग्गी गुजरती है, जिसको मैं स्प्रे में नॉक करने की कोशिश करता हूँ, बट बग्गी काफ़ी तेज थी, बंदा निकल जाता है। अब बारी थी लास्ट बंदे की, फाइनल यहाँ पर ये वाली स्क्वाड हो चुकी थी इजीली। वाइब कैसी लगी आपको ये वाली स्क्वाड वाइब करने का तरीका फटाफट से कमेंट करके जरूर से बता देना। अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन ऑल पे जरूर से कर लो, और गेम प्ले में थोड़ा बहुत भी मजा आ रहा है तो लाइक जरूर से कर देना और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया करो, और हम रोज शाम को लाइव आते हैं तो ज्वाइन भी कर लिया करो यार। अब अपार्टमेंट की साइड पे तो कोई बंदा नहीं था, तो हम फटाफट से गाड़ी उठा के निकल के आते हैं मिल्टा की साइड पे, और जैसे हम इधर आते हैं एक बग्गी सामने दिखती है, जिसको मैं टीममेट मानने वाले हैं और मैं भी थोड़ा बहुत डैमेज कर देता हूँ इस बंदे को। अब यहाँ पे मुझे सिर्फ एक ही चीज़ की जरूरत थी, बहुत ही UMP का मैग, जो कि मुझे इस बंदे की पेटी से मिल जाता है और थोड़ी बहुत एमओ भी मिल जाती है, तो
मेरे दो टीममेट दास लेके आगे निकल चुके थे क्योंकि अभी सामने फ्लेयर चली थी, तो मैं अपने चार नंबर भाई को बग्गी पे बिठा के निकल लेता हूँ। और अब जो फ्लेयर पे जाकर जो नेड करने वाला हूँ उसके लिए अभी को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लेना गाइस अगर अभी तक भी नहीं करा हो तो। बाकी आप लोग कमेंट करके ये जरूर से बता देना आप सबसे ज़्यादा कौन सा व्हीकल यूज़ करते हो, बाइक, बग्गी या दासिया या फिर यूएस। मैं तो सबसे ज़्यादा भाई बग्गी यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरे पास दासे की कुछ खास स्किन नहीं है, अगर लैम्बो हो तो ज़रूर से यूज़ करूँगा। अभी बंदों को फ्लेयर ड्रॉप अभी तक नहीं आया था और जैसे मैं एफपी करके देखता हूँ सामने ऊपर से ही फ्लेयर जा रहा था तो मैं समझ गया ये फ्लेयर जरूर से स्क्वाड हाउस भी चली है। और ऐसा ही होता है, जैसे हम लोग स्क्वाड हाउस पे जा रहे थे तभी फ्लेयर ड्रॉप छोड़ता है। जैसे ही स्क्वाड हाउस पाता हूँ पूरी स्क्वाड उस स्क्वाड हाउस के ऊपर पता नहीं किस स्क्वाड को देख रही थी। एंड जैसे ही मोली डालता हूँ, मोली से तो कुछ नहीं होने वाला लेकिन फिर एक नेट डालता हूँ फिर से और इस नेट के अंदर देखो पहला बंदा गया एंड दूसरा बंदा जो कि मेरे टीममेट को नॉक करता है बाहर से कूद के, इस भाई को लेते हैं सबसे पहले। अभी टीम के दूसरे बंदे को तो मैं नॉक कर देता हूँ लेकिन तीन नंबर भाई इसको फिनिश कर देते हैं और बाकी मेरा फिर से एक टीममेट नॉक हो जाता है। अब यहाँ पर मेरे दो टीममेट नॉक थे एंड अब देखो तुम्हारा भाई जो नेट करने वाला ना उसके लिए फटाफट से लाइक जरूर से कर देना, ठीक है? याद है ना मैंने क्या बोला था, नेट खतरनाक करने वाला हूँ, देखो बस। बूम इस नेट के अंदर ये स्क्वाड हो जाती है इजीली बाइक, खतरनाक से खतरनाक। क्लस देखने के लिए करो सब्सक्राइब। अब फटाफट से अपने टीममेट को देते हैं रिवाइव और थोड़ा बहुत लूट करते हैं और नेट की जरूरत है तो इन बंदों से थोड़े बहुत नेट लेते हैं। अब इन बंदों ने तो हम पे एक भी नेट यूज नहीं किया पर हम तो कर देंगे भाई क्योंकि हमें नेट करने की आदत है। अब यहाँ से नेड तो लिए ही लिए, साथ में जो बंदे के पास मिलती है वो है गिरोजा, तो फटाफट से गिरोजा लेते हैं। एंड मिल्टा की साइड से कुछ बंदे को फायर करने की साउंड आती है तो मेरे दो टीममेट जैसे रस करते हैं एंड मैं भी रस करने की सोच रहा था तभी पीछे की साइड पे एक बग्गी आ जाती है और उन बंदों को देखो क्या ही मारने वाला हूँ। सबसे पहले मुझे एक बंदा दिखता है वोरी वोरी अरे गाड़ी में फ्यूल नहीं है। अरे भाई अब इस बंदे को तो स्प्रे में इजीली नॉक कर लेता हूँ और बंदे पर कर देता हूँ हेड टू हेड पुश। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास तीन नेट थे, तीनों के तीनों नेट फेंकता हूँ बट तीन नेटों के अंदर भी कोई बंदा नॉक नहीं होने वाला ना ही फिनिश होने वाला, तो करते हैं फटाफट से इन बंदों पे रस क्योंकि नेट से काफी डैमेज थे बंदे और पास में गिरोज है तो भाई करना तो पड़ेगा। अब इन दोनों बंदों को फिनिश करने के बाद 14 किल हो चुके थे तो फटाफट से भाई बग्गी उठाते हैं और थोड़ी बहुत लूट करते हैं इन बंदों से और निकल लेते हैं भाई मिल्टा की तरफ क्योंकि मिल्टा में अभी भी बंदे हैं। अब जैसे मैं मिलता आता हूँ तभी सामने साइड पे एक कूप दिखती है जिसको मैं स्प्रे मारने की कोशिश करता हूँ लेकिन ये बंदे खुद से रुक जाते हैं।
और जैसे ही थोड़ा सा आगे आता हूँ तभी एक बंदा दिखता है। वो भी सही वाला। अब जैसे ही इस बंदे को नॉक किया तभी पीछे से जोन भी आ चुका था और सामने ब्रिज भी है, तो तुम्हें पता है ब्रिज पे कैंपर भी मिलते रहते हैं। तो फटाफट से इस स्क्वाड को करते हैं बाइप और यहाँ से निकलते हैं अपने बोरिया इस तरह बांध के। अब जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ मेरे को दूसरा बंदा दिखता है जो कि पीक करके बैठा था। अब इस भाई को नॉक करने के बाद फटाफट से एक फाश लगाता हूँ क्योंकि इस बंदे ने भी काफ़ी डैमेज कर दिया और जोन भी काफ़ी हीलिंग काट रहा है भाई। तो फटाफट से फाश लगाते हैं एंड तभी यहाँ पर काफ़ी स्मोक हो चुके थे और स्मोक के अंदर एक बंदा रिवाइव भी हो जाता है जिसको मैं थोड़ा सा डैमेज करता हूँ और मेरे टीममेट उसको नॉक कर देता है। अब तभी इतने मेरे को इस टीम का लास्ट बंदा दिखता है। फाइनली यहाँ पर ये स्क्वाड हो चुकी थी बाइप और मेरे 17 किल हो चुके थे। तो हम फटाफट से कूब उठाते हैं और निकल लेते हैं क्योंकि ब्रिज पे कैंपर मिल सकते हैं, लेकिन ब्रिज पे भी जोन जा चुका था। अब सबसे अच्छी बात ये थी कि ब्रिज से भी जोन निकल चुका था तो ब्रिज पे कोई कैंपर मिलेगा नहीं, तो हम फटाफट से भाई सीधा ब्रिज से निकल लेते हैं। और मैं यहाँ पे बैंडेज लगा लगा के निकल रहा था क्योंकि गाड़ी के अंदर फास्ट एंड नहीं लग सकती, आपको भी पता ही है। अब यहाँ पर हमारे 3 नंबर टीममेट जो है कूप का टायर पंचर करते हैं और हम जैसे कूप उठा के फिर से निकलते हैं तभी हिल की साइड से कुछ बंदे हमको मारने की कोशिश करते हैं। अब मैंने अपने टीममेट से बोला कि भाई इन बंदों को छोड़िए, बंदे जोन में ज़रूर से आएंगे क्योंकि अभी भी काफ़ी बंदे बचे हैं जोन के हिसाब से और हम लोग यहाँ पे पहले से नहीं थे, क्या पता किस बंदे ने जोन कहाँ पे सिक्योर कर रखा। एंड जैसे ही यहाँ पे आते हैं 3 नंबर के साथ देखो क्या होने वाला है। कैंपर और वॉट अब यहाँ पे मेरे पास ग्रोज आती तो भाई को इजीली यहाँ पे फिनिश करते हैं और फटाफट से थोड़ी बहुत लूट भी करते हैं और निकलते हैं लास्ट बंदों की तरफ। कहाँ पे वो साले? Watch out! अब जो स्नाइपर वाले बंदे थे वो भी नोवो की टीम आ चुके थे एंड जैसे मैं स्क्वाड पे आता हूँ तभी सामने की साइड पे एक बंदा दिखता है। जिसको मैं थोड़ा सा डैमेज करता हूँ एंड जैसे जंप करता हूँ तभी एक और बंदा क्रॉस करता है। अब ये बंदे तो जा चुके थे स्क्वाड पे एंड जैसे मैं थोड़ा सा आ गया तो मेरे को एक बंदा ओपन में दिखता है जो कि अलग टीम का था। एंड मैं जैसे ही थोड़ा सा आगे आता हूँ सबसे पहले यहाँ पर मैं एक नेट को करके फेंकता हूँ। मेरे को लगा था बंदे ऊपर की साइड पे आने वाले हैं तो नेट में एकदम एक बंदा नॉक हो जाएगा, लेकिन कोई बंदा नॉक नहीं होता। फिर से एक नेट को करता हूँ लेकिन ये नेट भी वेस्ट हो जाता है। एंड जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ तभी पीछे टीममेट मार्क करता है और इस बंदे को इजीली यहाँ पे फिनिश कर देते हैं। अब बचे थे लास्ट के 2 बंदे और मैं एक मोली करता हूँ बट इस मोली के अंदर भी कोई बंदा नॉक नहीं होता। अब यहाँ पे पहले बंदे को तो मैं इजीली नॉक करने वाला हूँ। फाइनली विनर विनर चिकन डिनर 21 किल के साथ। कैसा लगा गेम प्ले कमेंट कर जरूर से बता देना, लाइक नहीं करा लाइक कर दो, जो भी बंदे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब भी कर लो यार ऐसे और अमेजिंग गेम प्ले देखने के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।